हेलो फ्रेंड्स, मेरा रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गया है, तो मैं काम में आ गई हूँ। और आई तो मेरा मैडम, मेरा सर का आज शादी का सालगिरह है, तो मैं उनके लिए स्वीट बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ बनाना शीरा, उनको बहुत पसंद है बनाना शीरा, तो मैं आज बना के उनको दूँगी। आज नैवेद्य भी लगेगा वैसा बनाना शीरा का, तो मैं बना लेती हूँ। कोई भी त्यौहार रहेगा तो बनाना शीरा इस घर में हमेशा बनता है, क्योंकि नैवेद्य में बना स्वीट अच्छा लगता है। और मेरा मैडम के सर को बनाना वाला जो शीरा है वो बहुत पसंद है, यानी रवा शीरा। शीरा में केसरी बोलते हैं साउथ इंडियन तमिल में ऐसा, और हलवा, हाँ रवे की हलवा रवा का हलवा बनाना डाल के निकालती हूँ आपको। देखिए बनाना डाल के ये शीरा बना रही हूँ। इसका रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी है। पूरा बनाने के बाद आपको मैं एक वीडियो इसका फोटो दिखाती हूँ, जब तक मैं बना लेती हूँ। अभी बीन्स भाजी, चपाती, दाल, ये मेरा अभी आज का बनाने का है, तो मैं फटाफट सब बना लेती हूँ। जी आपको तो पता है मैं अभी इतना दिन घर पे ही थी, मैं घर पे ही आराम कर रही थी, क्योंकि मेरा सर्दी की वजह से काम में नहीं जा पाई। तो कल देखा होगा अपने वीडियो में कि मेरा रिपोर्ट संडे को मेरा कोविड टेस्ट का रिपोर्ट निकाला, मुझे कोविड टेस्ट किया उसका रिपोर्ट आया। बहुत टेंशन था मुझे, ये क्या आएगा क्या नहीं आएगा करके इतना टेंशन में थी। रात को भी मेरे को नींद नहीं आया, पता नहीं क्यों। मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा कहीं गई नहीं। मैं प्रॉपर मास्क यूज़ करना, सब साफ सुथरा रखना, वेजिटेबल भी साफ़ सुथरा धोना, काम में भी घर में भी हर चीज़ में मैं बराबर ध्यान रखती हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं तो भी वो बारिश में भीगी थी, मास्क भीग गया था, पूरा कपड़े भीग गए थे, शायद वो कपड़े गिल्ले कपड़े की वजह से कुछ हुआ होगा, ऐसा मन में मुझे भी थोड़ा बहुत डर था और मैडम लोगों को भी थोड़ा डर था। तो लेकिन कुछ खबरी मेरा नेगेटिव आया है, मेरे को मैडम लोग ने फ़ोन करके बोला लक्ष्मी नेगेटिव आया है, तुम कल से आ जाओ काम में। तो अभी कल से तो प्रॉपर मैं काम पे जाऊंगी। आज भी गई थी दो जगह काम करने के लिए, दो जगह करके आई हूँ आज। फिर अभी तो घर पे आ गई हूँ, तो सोचा आज गरम गरम कड़ी बनाती हूँ, कड़ी पकौड़ा का रेसिपी डालूंगी और खाऊंगी भी। तो चलते हैं कड़ी पकौड़ा का रेसिपी, पंजाबी स्टाइल एकदम टेस्टी। एक बर्तन लिया है, उसमें डाल दूंगी दो आनियन लंबा लंबा स्लाइस किया हुआ। हम दो ही जने इसीलिए हमने दो ही आनियन लिया है पकौड़ा बनाने के लिए। जितना अपने को चाहिए, चार जने है तो उसके हिसाब से आठ ऐसा ले सकते हैं अपन आनियन लंबा क्वांटिटी के वाइज। हाँ क्वांटिटी वाइज। और उसमें ये हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ दोनों हमने इस ये दो खांदे के लिए दो मिर्ची लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा अदरक ऐसे छोटे छोटे कटे हुए। मुंह में पकौड़े का साथ क्रंची क्रंची आता तो अच्छा टेस्ट लगता है इसका। फिर थोड़ा सा कोथमीर, धनिया, प्याज, धनिया, थोड़ा हींग, थोड़ा सा अजवाइन इसीलिए मैं डालती हूँ गैस ना हो, बेसन कर रहे तो वो गैस होता है हमेशा। चना दाल, चना ऐसा इसीलिए डाला है मैंने अजवाइन थोड़ा सा। मैं हमेशा हर घर पे भी पकौड़ा बनाने के टाइम मैं डालती हूँ, वो बीच में फ्लेवर में भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हल्दी और आधा स्पून नमक। पहले मैं इसको ऐसी हाथों से मिक्स कर लूँगी इसको,
इसे नमक और ऑनियन में मिक्स कर होने के बाद वो पानी छूटेगा, उससे बेसन डालने से क्रिस्पी कुरकुरा आता है, इसका फ्लेवर भी फुल्ली उतरता है पकौड़े में। देखिए अभी ये बिक गया, गीला हो गया, पानी छोड़ दिया। हाँ यानी पानी छोड़ दिया। बीसी में ये कटोरी बेसन डाल दूंगी, यानी ये 50 ग्राम लगभग है, ये दो ऑनियन है और 50 ग्राम बेसन, तो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको बिना पानी के ही इसको मिक्स करूंगी। इस तरह थोड़ा टाइम के लिए मिला के रख दूंगी, अभी फुल्ली मिक्स नहीं हुआ है लेकिन ऐसे मिला के रख दिया है। थोड़ा टाइम रखने के बाद और ये पूरा गीला हो जाएगा और पूरा मिक्स हो जाएगा, वो पानी सोख लेगा बेसन। तो थोड़ा टाइम के लिए इसको छोड़ दिया है, तो इसमें गरम तेल डालूंगी मैं, कढ़ाई में ऑलरेडी गरम करने को रख गई थी तेल, गरम तेल डाल दूंगी। धीरे से इसको मिक्स करूंगी क्योंकि गरम है। हमने इसमें पानी ही नहीं डाला लेकिन ये ऑनियन ने पानी छोड़ दिया और वो बेसन मिक्स हो गया। जास्ती भी बेसन नहीं होना चाहिए, ये ऐसे दिखना चाहिए ऑनियन। अभी तेल गर्म हो गया है, मैं छोटे छोटे पकौड़े डाल देती हूँ उसके अंदर। अभी मैं पलट देती हूँ इसे, धीमी आंच में पकाना है क्योंकि अंदर कच्चा ना रह जाए और क्रिस्पी भी होना चाहिए ना, इसके लिए आराम से इसको पकने देते टाइम लेके। ये अभी हो गया है, मैं निकाल देती हूँ इसे, एकदम क्रिस्पी। बाकी का भी निकाल लेती हूँ। अभी पकौड़ा रेडी हो गया है, तो अभी कढ़ी बनाने लेती हूँ। तो ये एक मिक्सी ली है, उसमें मैं डाल दूंगी ये 2 चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच। हाँ ये थोड़ा बड़ा चम्मच है, 2 बड़े चम्मच दही और उसमें ये 1 चम्मच बेसन, बस हो गया इतना, जास्ती नहीं चाहिए। फिर इसमें डालूंगी मैं 1 ग्लास पानी, ये देखिए छोटा सा ग्लास है, 1 ग्लास पानी, ऑलमोस्ट 1 कप जैसा। हाँ तो इसको मैं ढक्कन लगा के घुमा लूंगी, मैं हमेशा मिक्सी में ही घुमाती हूँ, और क्योंकि एक घर छोड़ के दूसरा घर जाना है उसमें आराम से मिक्स करने को टाइम नहीं है, इसीलिए मिक्सी में लगाती हूँ और पूरा घुमाने के बाद एकदम पूरा मिक्स हो जाता है, क्विकली हो जाता है। हाँ क्विकली हो जाता है, इसके लिए लम्स भी नहीं रहते, तो करते हैं और जल्दी भी हो जाता है। इसको मैं घुमा लेती हूँ अभी मिक्सी में। सिर्फ 2 तरह ऐसे मैंने घुमाया है, बस अभी हो गया है, ये अभी हो गया है, सब मिक्स हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसा। मैंने लिया 1 पतीला, यानी ये फ्लैट सा टोप, उसमें डाल देती हूँ मैं 1 चम्मच तेल, तो उसमें डाल देती हूँ मैं राई, और उसी छोटा स्पून से जीरा, गैस स्लो कर देती हूँ, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा अजवाइन और हींग और ग्रीन चिल्ली कड़ी पत्ता और ये थोड़ा सा ऑनियन, इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी।
और थोड़ा सा अदरक लहसुन, इसके फ्लेवर और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अभी कलर चेंज हो गया है, मिर्ची और आनियन सब भुन गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो मैंने ये पीस के रखी थी बेसन और दही, ये मैं डाल दूंगी इसमें। हाँ, ये लिक्विड होना चाहिए क्योंकि बेसन घट हो जाएगा बाद में, तो पकना भी चाहिए इसके लिए। और इतना पानी लिया है मैंने, इन्हें डेढ़ ग्लास पानी और लिया है, टोटल 2.5 ग्लास पानी हो गया है, 2.5 ग्लास पानी। तो इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी, अभी उसको से धीरे से हिलाऊंगी और इसको पकने दूंगी अभी मैं, और थिक भी हो जाएगी और कलर भी छोड़ेगी। इसको बीच बीच में हिलाते रहना है, नहीं तो ये बेसन नीचे आएगा, वो गट हो जाएगा, जगह पे बैठ जाएगा फिर। अच्छा ठीक है, तो इसको हिलाते रहने से थिकनेस भी आ जाएगा और जल्दी पक भी जाएगी। अभी कलर ऐसा लग रहा है पकने के बाद उसका येलो कलर आ जाएगा, लाइट येलो। इसको पकने देते हैं, अभी बॉयल होने देते हैं इसे। ये देखिए पकते पकते ये कलर आ गया है और थिक भी हो गया। इसको ऐसे ही बॉयल आने दीजिए क्योंकि बेसन कच्चा है, वो अच्छा तरफ से पक जाएगा। नमक नहीं डाला था तो मैं डाल देती हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच शुगर, लास्ट में डालना है नहीं तो कड़ी पट जाएगी। इसके साथ कोथमीर भी डाल देती हूँ। ये हो गया मस्त यम्मी कड़ी। ये रेडी हो गया अभी, तो इसी में डाल देती हूँ मैं 2-3 पकौड़े। हम दोनों दो दो लेंगे इसलिए मैं 4 ही पकौड़े इसमें डाल रही हूँ। अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ, पकौड़े पी लेगा कड़ी, फिर हम खाएंगे। हो गई हमारी कड़ी पकौड़ा रेसिपी। चलो अभी हम लेते हैं इसको सर्व करते हैं, सिखाने को लेते हैं। अभी हम सर्व करें हमारी कड़ी पकौड़ा, टेस्टी टेस्टी। अभी हम दोनों ले रहे हैं कड़ी पकौड़ा खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। जब से थोड़ा सा बीमार पड़ी हूँ बहुत जल्दी भूख लगता है, हर का खाने को मन करता है। तो अभी हम खाने को लेते हैं कड़ी पकौड़ा। ये नन्नी ने अभी सर्व कर दिया है मेरे लिए खाने के लिए, इसके साथ पकौड़े और एक कड़ी। मैं भी ले रही हूँ, अभी नन्नी भी खाएगी अभी। तो मैं पहले टेस्ट टेस्ट कर लूँ और मैं बताऊँ। क्यों तुझे नमक? इसको हमेशा नमक कम ही लगता है, बट मेरे लिए थोड़ा जास्ती ही चाहिए रहते है। पसंद आया, चलो अभी मैं भी ले लेती हूँ। तो ये था आज का कड़ी पकौड़ा रेसिपी, घर पे आने के बाद हमने बनाया। अभी तो मैं खा भी लिया, हम दोनों ने खा भी लिया अभी। तो आज तो नेगेटिव आया है मेरा, तो
कोविड का टेस्ट का रिजल्ट। तो कल से तो ड्यूटी चालू हो जाएगी मेरे, 5 बजे को उठना, 5 बजे को जाना, 4:30 बजे को उठना, 5 बजे को जाना। अभी मेरा काम स्टार्ट हो गया है, अभी मैं जाऊंगी। और भी रोज़ की तरह जो है मेरा रेसिपी, जो पहले मैं डालती थी छोटे छोटे रेसिपी और मैं खाना बनाते हैं, वो सब मैं वीडियो आपको डालूंगी मैं ज़रूर। अभी तो मैं ठीक हूँ और मैं कल से मैं जा रही हूँ काम पे। तसल्ली होती है मुझे आपसे बात करके, आपको शेयर करके, क्योंकि थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। शुक्रिया आप सबका मेरा चैनल को और मुझे साथ देने के लिए। ऐसे हमारा सब मेरा साथ दीजिए और चैनल को आगे बढ़ने दीजिए, और अपना फ्रेंड्स को अपना दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना दोस्तों, मुझे आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। और शुक्रिया आपका सब कमेंट्स के लिए, मैं बहुत खुश हुई। मुझे ठीक नहीं था तो मैं बहुत परेशान थी, तो मैं सुन के सब कमेंट्स पढ़ के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यही अभी मैं ख़त्म करती हूँ, बाय।